ईश्वर का आदेश कर दिया, भारत कर दिया, भारत हमारा देश है, भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन है, हम सब भारतवासी भाई बहन है। हमें अपना देश, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है, प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि हो, इसकी समृद्धि हो। विविध संस्कृति पर, विविध संस्कृति पर हमें गर्व है, हमें गर्व है। हम इसके, हम इसके सहयोग अधिकारी, सहयोग अधिकारी बनने का, बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे, प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, हम अपने माता पिता शिक्षकों और गुरुजनों का, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे, आदर करेंगे। और सबके साथ, और सबके साथ शिष्यता का, शिष्यता का व्यवहार करेंगे, व्यवहार करेंगे। हम अपने देश, हम अपने देश और देशवासियों की, और देशवासियों की प्रति वफादार, प्रति वफादार रहने की, रहने की प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और उनके कल्याण हो, और उनके कल्याण हो समिति में ही, समिति में ही हमारा सुख मिलते, हमारा सुख मिलते। जय भारत, जय भारत। नमस्कार, सातवीं डपैस कक्षा से एसआरवीएन समाचार विज्ञप्ति लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं जानवी सातवीं चौपाई कक्षा से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार लेकर आई हूँ। राष्ट्रीय समाचार, बजट ने दिया बड़ा इज्जत का रोजगार के लेकर कहीं ऐलान नहीं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, दुनिया के कई देश में इनकम टैक्स लगता है, लोगों की कमी पर भारत में भी इनकम टैक्स लगता है, पर भारत कहूत अवमान मालदीव देश में टैक्स नहीं लगता है। आगे की जानकारी हमारे में जारी रखेंगे, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं गोपीनाथ सातवीं रोमांस कक्षा से राजकीय और केंद्र की समाचार लेकर आया हूँ। राजकीय समाचार, बजट को लेकर मोदी सरकार पर बरसे अग्रिम ओवैसी। खेल जगत की समाचार, ओपनर सुमन गिल ने मचा दिन गदर बनाए कई रिकॉर्ड। अब आगे की जानकारी हमारा अमित नरसिम्हा जारी रखेंगे, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद गोपीनाथ। नमस्कार, मैं नरसिम्हा सातवीं तपास कक्षा से मौसम की जानकारी लेकर आया हूँ। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, धूप छाए रहेगी, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरा मित्र रेखा से जारी रखेंगे, धन्यवाद। अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। मैं फिर से दोहराता हूँ, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। आगे की जानकारी हमारा मित्र यशवंत जारी रखेंगे, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं यशवंत साथी तो बस कक्षा से शब्द लेकर आया हूँ। शब्द अज्ञानी मतलब ना समझ और जैसे ज्ञान ना हो। दोस्तों कृपया मेरे साथ बोलो, अज्ञानी, अज्ञानी मतलब ना समझ और जैसे ज्ञान ना हो, ज्ञान ना हो। आगे की जानकारी हमारे मित्र मशीरा और कगन जारी रखेंगे, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मैं कगन सातवीं टोपैस कक्षा से रहीम के दोहे लेकर आया हूँ। कही रहीम संपत्ति सके, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेरी सांझे में। नमस्कार, मैं मसीरा सातवीं डपैस कक्षा से रहीम के दोहे की व्याख्या लेकर आई हूँ। दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने सुने रहीम जी के दोहे, इसका मतलब इस प्रकार है, कठिन समय में मित्र हमारी मदद करता है, वही हमारी सच्चा मित्र है। दोस्तों सच्चे मित्र को पहचानना बहुत जरूरी है। जाल करे जब जात बही, नदी में लड़को हो, सरवरु पचरी नीर को कई अचानक छो। दोस्तों रहीम ने अपने इस दोहे में बताना चाहते हैं कि मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उससे बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है। सरवर के सरवर फल में काग है, सरवर पिए तन अपार, कही रही
प्रकार जीवित संपत्ति सत्य ही सुजान। दोस्तों इस दोहे में रहीम जी ने निस्वार्थ भाव को व्यक्त किया है। इसका व्याख्या इस प्रकार है, निस्वार्थ भाव से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरवर अपना जल नहीं पीते और सज्जन अपने लिए धन नहीं संचय करते। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।